हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 6.1, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इन प्रॉब्लम्स 11 एंड 12, री राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज अ सिंगल पावर सीरीज हुज जनरल टर्म इन्वॉल्व एक्स टू द पावर के। ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दो सीरीज दी गई हैं, उनको हमने कंबाइन करके एक सिंगल सीरीज की फॉर्म में लिखना है। देखिए नंबर 11 में जो पहली में सीरीज दी गई है, एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 2n सी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 है। और जो सेकंड सीरीज है, देखिए वो जीरो स्टार्ट हो रही है, 0 टू इन्फिनिटी, 6 सी एन एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है कि जो दोनों सीरीज हैं, आप देखिए उनकी एक तो स्टार्टिंग टर्म डिफरेंट है, पहली वाली 1 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी 0 स्टार्ट हो रही है। और सेकंडली जो हमने पावर इकट्ठी करनी है एक्स टू दी पावर के, यहाँ पे उनकी पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पे एन माइनस 1 है, यहाँ पे एन प्लस 1 है। हमने इन दोनों को एक्स की पावर के में कन्वर्ट करना है। याद रखिए दो सीरीज कंबाइन उस वक्त बनेंगी जब वो बिल्कुल सिंगल सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगी। क्योंकि इनके पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो इनके पॉइंट्स भी सेम करने पड़ेंगे, और दोनों में एक्स की पावर के कंबाइन करने के लिए दोनों का जो पावर है एक्स वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वे से हम दोनों को अलग अलग जो है इसका इंडेक्स चेंज करेंगे। इंडेक्स चेंज कैसे करना है पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखिए n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 1 है, हमें x की पावर चाहिए। इट मीन्स पहले वाली सीरीज में क्या करेंगे कि n माइनस जो 1 है उसको आप k कह देंगे। इससे जो सेकंड वाली है, क्योंकि वहाँ पे n प्लस 1 है, आपने उसे भी k में लेके आना है, तो वहाँ पे आप n प्लस को k कह देंगे। हम दोनों टर्म्स में डिफरेंट जो है इंडेक्स चेंज करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि इंडेक्स चेंज करने से सीरीज की जो टर्म है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स एक डमी वेरिएबल है, जस उसका टैग लगा हुआ है। टैग डिफरेंट करने से सीरीज में इटसेल्फ कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन को के मैंने कह दिया, यहाँ पे जो एन निकल आएगा वो के प्लस वन हो जाएगा। इसके बाद जो मेरे पास सीरीज बनेगी क्या बन जाएगी, देखिए सीरीज एन की वैल्यू प्लग कर दे, एन के आ गया के प्लस वन, तो ये बन गया के प्लस वन इक्वल टू वन टिल इन्फिनिटी। और टू एन आ गया, एन को आप के प्लस वन कह दीजिए, फिर सी एन है वो सी के प्लस वन बन जाएगा। और एक्स की पावर में देखिए एन माइनस वन को हम के कह चुके हैं, या एन को के प्लस वन भी कहेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो के बन जाएगा। इस जो सेकंड सीरीज बनेगी, अब हम यहाँ पे क्या करना है, एन प्लस वन को के कहा हुआ है, दैट मीन्स के जो एन बन जाएगा वो के माइनस वन बन जाएगा। और जो सीरीज बनेगी इसके बाद वो क्या बन जाएगी, समीशन एन, एन क्या है मेरे पास के माइनस वन, तो के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी, 6 सी एन, एन मेरे पास के माइनस वन आ गया, और x की पावर में n प्लस वन को मैंने k कह चुके हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जो सीरीज बन जाएगी, देखिए k जो है ये 1 इधर भी है, यहाँ 1 1 इधर के माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, तो ये k 0 बन जाएगी टिल इन्फिनिटी। ये 2 इंटू के प्लस वन सी के प्लस वन एक्स टू द पावर के एन सीरीज, ये देखिए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 6 सी के माइनस वन एक्स टू द पावर के। एक्स की पावर के सेम है, लेकिन अभी भी जो सीरीज है वो सेम टर्म से स्टार्ट नहीं हो रही है। हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा इनको सेम टर्म से स्टार्ट करने के लिए। जो पहली वाली सीरीज है उसको एक टर्म ओपन कर दीजिए। इसकी जो पहली टर्म है वो के जीरो के लिए, तो यहाँ के जब जीरो प्लग करने का बनेगा 2 इंटू जीरो प्लस वन, सी के प्लस वन है, के जीरो कह चुके हैं, तो सी जीरो प्लस वन और एक्स की पावर जीरो प्लस, अब आगे के वन से स्टार्ट हो रही है, तो आगे से अब सीरीज अभी दोबारा से कंबाइन कर दीजिए। और अब ये जो टर्म स्टार्ट हो रही है वो जीरो की बजाय वन से स्टार्ट बनेगी, क्योंकि जीरो के लिए हम उसे ओपन कर चुके हैं। बाकी सब कुछ वैसे का देखिए वैसे रहेगा, ये सी के प्लस वन एक्स की पावर के, और ये समीशन के फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, 6 सी के माइनस वन एक्स की पावर के। अब देखिए दोनों जो सीरीज हैं, ना सिर्फ ये कि इनकी स्टार्टिंग टर्म सेम है, बल्कि अब इसमें x की पावर k भी दोनों में सेम आ रही है, हम उसे कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसको वैसे लीजिए, ये बनेगा 2 सी वन रह जाएगा, 2 यहाँ से और सी वन यहाँ से, x की पावर 0 1 होती है, और प्लस क्या बनेगा, सीरीज कंबाइन कर दीजिए, k
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 2 इंटू के प्लस 1 इंटू सी के प्लस 1 और 6 इंटू सी के माइनस 1, और यहाँ से आप एक्स के कॉमन कर लीजिए, एक्स की पावर के, ये देखिए इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप उसमें भी जो है अपनी जो सीरीज़ है उससे कंबाइन कर सकते हैं। वहाँ देखिए मेरे पास अब तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे एक्स की पावर एन है, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू है, यहाँ फिर एक्स की माइनस एन है, एक्स की पावर एन है। तो आपने जो का के में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे पहली सीरीज के लिए क्या करेंगे, एन को आपने के कह देना है, सेकेंड के लिए आप क्या कहेंगे, एन माइनस टू को हमने के कह देना है, और थर्ड के लिए भी हमने क्या करना है कि एन को जस्ट के कह देना है। के कहने के बाद अब इसकी जो सीरीज की फॉर्म बनेगी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे जैसे एन को के कहना है, जस्ट आप रिप्लेस कर दीजिए ये समीशन एन फ्रॉम टू, तो अब बनेगा वो के फ्रॉम टू से इन्फिनिटी, ये के बन गया, के माइनस वन आ गया, सी के आ गया और एक्स की पावर के आ गया, प्लस टू समीशन। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या करना है, हमने एन माइनस टू को के कहा हुआ है, तो यहाँ से जो एन बनेगा वो के प्लस टू बनेगा। तो एन जब के प्लस टू बनेगा, आप देखिए के प्लस टू इज इक्वल टू, तो के यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, और एन को अपने के प्लस टू कहना है, तो ये के प्लस टू, और नेक्स्ट कहिए एन माइनस वन, एन बन गया के प्लस टू, तो के प्लस टू माइनस वन करेंगे तो के प्लस वन आ जाएगा, और ये सी के प्लस टू एक्स की पावर देखिए के बन जाएगा। और लास्ट से आपने क्या करना है कि एन को के कह देना है, तो के फ्रॉम वन से इन्फिनिटी ये के बन गया, सी के एक्स की पावर के बनेगा, सब में एक्स के आ गया। अब स्टार्टिंग में सेम नहीं है, इसकी टू है, इसकी जीरो है, इसकी वन है, तो क्या हमें करना पड़ेगा, जो दरमियान वाली सीरी है इसकी दो टर्म ओपन कर दीजिए, जो एंड वाली सीरी है इसकी एक टर्म ओपन कर दीजिए, और सारी जो बन जाएंगी फिर वो क्या हो जाएंगी, सिंगल टर्म से स्टार्ट हो जाएंगी, पहली वैसे की वैसे ही आ जाएगी। समीशन के फ्रॉम टू से इन्फिनिटी ये के आ गया, इंटू के माइनस वन सी के एक्स की पावर में के प्लस टू। हाँ जी, जब के 0 होगा तो देखिए क्या मैंने कहा, 0 प्लस टू 0 प्लस वन, तो 2 इंटू वन आ गया और सी 2 रह जाएगा, और एक्स की पावर में देखिए 0। उसके बाद जब 1 प्लग करेंगे के को, बाय 2 वैसे रहेगा, अब देखिए 1 प्लस टू करेंगे ये 3 बनेगा, 1 प्लस वन करेंगे ये 2 आ जाएगा, सी 3 बन जाएगा और एक्स की पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको दोबारा से सीरी लिखेंगे, अब इसको स्टार्ट करेंगे 2 से लेकर, 2 से इन्फिनिटी और के प्लस टू, के प्लस वन और सी के प्लस टू एक्स की पावर में के, और लास्ट को भी एक टर्म ओपन करना पड़ेगा, 3 इंटू के वन के लिए ये 1 आएगा, सी 1 आ जाएगा और एस की पावर 1 आएगा, और दोबारा से 3 समीशन फ्रॉम के टू से इन्फिनिटी सी के एक्स की पावर के बन जाएगा। अब ये जो तीन की तीन सीरीज हैं ये कंबाइन करके इसको आप सिंगल सी लिख सकते हैं, पहले आप यही कर लीजिए समीशन, आप चूंकि सब सेम टर्म डाल हो रही हैं टू से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ से बचेगा मेरे पास वो के इंटू के माइनस वन और सी के आ जाएगा, सेकेंड में देखिए के प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू सी के प्लस टू बन जाएगा, और लास्ट के लिए 3 के सी के आ जाएगा, और सब में क्या बनेगा, एक्स की पावर जो के है वो कॉमन आ जाएगा। जो बाकी टर्म बची हैं देखिए यहाँ पे जो बच गई हैं, ये देखिए कितना बनेगा, 2 टाइम्स 2 4, ये 4c2 बचेगा, एस की पावर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 2 टाइम 3 6 टाइम्स 2 12, 12c3 इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ देखिए एक टर्म यहाँ से आ जाएगी, ये प्लस 3c1 इंटू एक्स बनेगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएंगी 7 टर्म्स, और ये सिंगल सीरीज में कंबाइन हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, सीरीज किस तरह मैनिपुलेट किया है, और उनके हम इंडेक्स को चेंज करके हमने सिंगल सीरीज में कन्वर्ट किया, जाकर जब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ हमें इस टेक्निक की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाकर हम उसकी राइट आंसर से कंपेयर करेंगे और अपना रिगर सोल्यूशन फाइंड आउट किया करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 313 देखिए, 13 एंड 14 वेरीफाई बाई डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन दैट द गिवन पावर सीरीज इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इंडिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें देखिए हमें ये एक दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की, और ये एक वाई दिया गया जो कि सीरीज की फॉर्म में, बस हमने वेरीफाई करना है कि ये उसका सोल्यूशन है। मतलब क्या करेंगे, इस वाई को वहाँ प्लग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है जी एक्स प्लस वन
इंटू वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो y दी गई है समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ये माइनस 1 की पावर n प्लस 1 है, और साथ है जी ओवर में n है और x की पावर n है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y प्राइम निकालिए, हम x के बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, समीशन n फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर में n, और हमारा सब इफेक्ट जो बनेगा डेरिवेटिव का उसे x की पावर n पे आएगा। इसको कहिए डिफ्रेंशिएट, n नीचे आ गया और x की पावर n माइनस 1 आ गया, ये n इससे कट जाएगा, सॉरी ये n फैक्टोरियल नहीं है। समीशन n फ्रॉम देखिए 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 इसकी पावर में n प्लस 1 ओवर में, ओके ओवर में कुछ नहीं रहा अब, इंटू क्या बनेगा मेरे पास, इंटू x की पावर में n माइनस 1 आ गया है। इस तरह y डबल प्राइम कीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, समीशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 इसकी पावर में n प्लस 1, अब फिर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे बस एक चीज़ ख्याल करना है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए हमारा फंक्शन में कोई थोड़ी तब्दीली आ जाती है, तो वो जो तब्दीली आती है चेंज आता है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है क्या हमारा कोई इंडेक्स कोई ऐसे उसमें वैल्यू तो नहीं आ गई इसके प्लग करने से वो एक जीरो टर्म बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए ये जो n 1 है, अगर मैं इसमें 1 प्लग करता हूँ तो ये जो 1 n माइनस 1 है ये 1 माइनस 1 बन जाएगा। अब चाहे साथ जो भी टर्म आएगी लेकिन जो कि 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, तो उसकी वो जो टर्म है वो सारी जीरो बन जाएगी। इट मीन्स इस सीरीज़ की जो पहली टर्म आएगी वो दरअसल जीरो टर्म है, तो उसको फिर उसमें एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब बजाय n 1 से स्टार्ट करने के हम 2 स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 आ गया। ये काम ऊपर भी आप चेक आपने करना था, वहाँ देखिए वहाँ पे वन प्लग करने से चूंकि कोई टर्म जीरो नहीं बन रही, वहाँ पे मैंने उसको वन से स्टार्ट होने दिया था। अभी जो वैल्यूज आई हैं इनको प्लग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस 1 इंटू वाई डबल प्राइम, जिसकी ये सीरीज निकाल चुके हैं ये वाली सीरीज, ये प्लग कर दीजिए, एन फ्रॉम 2 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 और एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस y प्राइम, उसकी सीरीज लिखिए n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1 आ गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखिए x प्लस 1 बाय मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें जब x ओपन करेंगे तो x की जो पावर वो इससे कंबाइन हो जाएगी। ये बनेगा समीशन n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर में एन माइनस 2, साथ जब एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो एक्स माइनस 1 रह जाएगा, उसके बाद प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा एन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 और इंटू एन माइनस 1 और एक्स की पावर एन माइनस 2। और ये देखिए ये टर्म बन जाएगी मेरे पास एन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 और एक्स की पावर में एन माइनस 1 रहेगी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इनकी जो स्टार्टिंग टर्म्स हैं, पहली वाली स्टार्ट हो रही है 2 से, ये भी 2 स्टार्ट हो रही है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ये एन फ्रॉम 1 1 से लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट हो रही है। अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, और इनकी जो पावर्स हैं x की पावर देखिए यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ भी n माइनस 1 है और यहाँ पे n प्लस 1 है, डिफरेंट पावर है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि ये 0 के बराबर आता है कि नहीं आता, तो ये चेक करने के लिए कि ये इनका सम जीरो है या नहीं, ये पहला काम हम क्या करेंगे, इनकी पावर सेम करेंगे, यानी हम कंबाइन, सब पहले में किया ना इनकी कंबाइन करेंगे। एक्स की पावर देखिए एन माइनस वन है तो इसको आप के में ले आइए, यहाँ पे एन प्लस वन है इसको भी आप के में ले आइए और एन माइनस वन है इसको भी आप के में ले आइए, यानी ये क्या बनेगा, पहली टर्म में देखिए के प्लस वन बन जाएगा, यहाँ पे जो एन बनेगा वो के माइनस वन बन जाएगा, यहाँ पे जो एन बनेगा वो के प्लस वन बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, समीशन n कितना आ गया k प्लस 1, तो k प्लस 1 जब 1 वहाँ लेके आऊँगा राइट साइड पे तो फिर 2 माइनस 1 तो k 1 से हो जाएगा, टिल इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n बन गया k प्लस 1 तो k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 आ गया, इंटू n k प्लस 1 करूँगा तो देखिए k प्लस 1 आ गया माइनस 1 तो जस्ट k रह जाएगा और x की पावर देखिए यहाँ जस्ट k रह जाएगी, प्लस समीशन n 2 है
इसके लिए क्या करना है, एन को के माइनस वन करना है। जब के माइनस वन करूंगा और वहां लेके आऊंगा 2 प्लस 1, तो यहां के बनेगा 3 से, इन्फिनिटी माइनस वन की पावर। देखिए सॉरी, यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमने क्या करना था, इसकी बजाय हमने इसको देखना था। ये हमने इसको देख लिया है, हमने असल में यहाँ पे एक्स की पावर को देखना था। और ये जो पावर है मेरे पास वो एन माइनस टू है, इसको के कहना था, और जो एन बनेगा वो के प्लस फिर 2 बन जाएगा। ये थोड़ी सी यहाँ से करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे हमने एक्स की पावर को देखना होता है। तो ये देखिए इसके बाद क्या बनेगा मेरे पास, इसका मतलब हुआ कि जब एन को के प्लस टू करेंगे तो ये फिर 0 से सा बनेगा, और माइनस वन की पावर एन एन के प्लस टू है, तो देखिए के प्लस टू और प्लस वन करेंगे तो के प्लस थ्री बन जाएगा, और एन जो है वो के प्लस टू करेंगे, के प्लस टू माइनस वन तो के प्लस वन रह जाएगा, और एक्स की पावर में देखिए के रह जाएगा। समीशन एंड पे आ जाइए, एन को के प्लस वन करना है। जब के प्लस वन करूँगा देखिए के स्टार्ट होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, माइनस वन इसकी पावर में एन जो के प्लस वन है साथ एक और वन तो के प्लस टू बन जाएगा, और एक्स की पावर में देखिए के आ जाएगा। अब देखिए इनकी जो सीरीज है वो इसकी एक टर्म एक्स्ट्रा है, यानी ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से, और ये भी 0 स्टार्ट हो रही है। तो इनको करें एक एक टर्म ओपन कर देते हैं। तो ये मेरे पास बनेगी समीशन के फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर में के प्लस 2 इंटू के और एक्स की पावर में के। इसको ओपन कर दीजिए एक टर्म, 0 पे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा मेरे पास माइनस 1 की पावर 3, और 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, और एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। और साथ इसको भी ओपन कीजिए 0 पे, माइनस 1 की पावर देखिए 2 आ जाएगा, और एक्स की पावर 0 आएगा, प्लस ये दोनों टर्म दोनों जो सीरीज हैं अब होंगे स्टार्ट के 1 से, के 1 माइनस 1 की पावर के प्लस 3 और के प्लस 1 एक्स की पावर के। और जो सेकंड सीरी है के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 1 से स्टार्ट होगी अब, और माइनस 1 की पावर के प्लस 2 और एक्स की पावर के आ जाएगी। अभी जो टर्म आई है मेरे पास कितनी आई है, माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस 1 बनेगी, एक्स की पावर 0 1 है, ये माइनस 1 है, और देखिए ये जो आ रही है ये प्लस 1 है, प्लस 1 है। और जो बाकी है सारी सीरीज आप इकट्ठी कर दें, समीशन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, यहाँ देखिए क्या बनेगा, माइनस 1 की पावर के प्लस 2 आएगा इंटू के आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, एक्स की पावर के कॉमन है। यहाँ देखिए माइनस 1 की जो पावर है वो के प्लस 3 आ गई इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, एक्स के कॉमन आ जाएगा, और लास्ट में माइनस 1 की जो पावर है वो के प्लस 2 और इंटू एक्स की पावर में देखिए के आ जाएगा। ये यहाँ पे कट गया, बाकी रहेगा समीशन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 1 की पावर के लिखिए और इसको भी कॉमन ले लीजिए, जो बाकी बचेगा माइनस 1 की पावर 2 रहेगा जो कि पॉजिटिव बन, जैसे यहाँ पे के रह जाएगा, या माइनस 1 की पावर के कॉमन लीजिए, बाकी माइनस 1 पावर 3 रह जाएगा जो कि नेगेटिव 1 होता है, तो ये नेगेटिव 1 बच जाएगा इंटू के प्लस 1 रह जाएगा। सेम यहाँ पे कीजिए, नेगेटिव 1 पावर के कॉमन आएगा तो बाकी जो बचेगा मेरे पास नेगेटिव 1 की पावर 2 बनेगी जो कि 1 रह जाएगी, और बाहर ये एक्स की पावर के रह जाएगा। अब ये बनेगा मेरे पास समीशन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, माइनस 1 की पावर के भी हम कॉमन निकल ले लें और अंदर ओपन कर दें, ये के बनेगा माइनस के माइनस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स की पावर के। देखिए के से के कट गया, 1 से 1 कट गया, बाकी जो रहेगा मेरे पास समीशन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर के, और अंदर देखिए 0 रह गया इंटू एक्स के, 0 जो होगा हर टर्म 0 कर देगा, तो ये पूरी टर्म पूरी 0 बन जाएगी, और ये मेरे पास क्या बनेगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी, इट मीन्स कि ये उसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखें किस समय सीरीज को मैनिपुलेट करके चेक करना पड़ा है कि ये उसका सॉल्यूशन है या के नहीं है।